जी हम इसको अगर सिर्फ ब्रेन हेमरेज के तरफ से नहीं लें, लाइक हम इसको स्ट्रोक की तरह डिफाइन करते हैं कि या तो ब्रेन में कोई नस फट जाए या वो नस जाम हो जाए, जिससे ब्लड की सप्लाई ब्रेन को रुक जाए, तो इसको हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। तो इसके लक्षण यूजुअली उन्हीं पेशेंट्स में होते हैं जिनके पास रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हों, जो जिन लॉन्ग टर्म लंबे समय से उनको हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, ओवरवेट हो, उनका लिपिड जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है खून में वो बहुत ज़्यादा हो, ये सारे पेशेंट्स बहुत ही हाई रिस्क पे हैं स्ट्रोक होने के लिए। स्ट्रोक के सिम्टम्स जो हैं यूजुअली हेडेक के साथ शुरू होते हैं। अगर ये इतना एक्यूट एपिसोड होता है, अगर नस फट जाती है तो ब्रेन में जो हेडेक होता है वो बहुत ही सडन और सीवियर हेडेक होता है, जिसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लें, अपने डॉक्टर से उसी टाइम पे मिलने की ज़रूरत होती है। ये सडन सीवियर हेडेक्स को कभी भी लाइटली में नहीं लेना होता है, या अगर कभी कुछ समय के लिए भी बोलने में दिक्कत हो गई, या कुछ समय के लिए भी एक साइड के हाथ पैर में झुंझलापन या कमज़ोरी आई और वो 24 घंटे में इम्प्रूव हो गया, तो ये सारे सिम्टम्स के लिए डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना बहुत ज़रूरी होता है और ये प्रिवेंटेबल है। जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी कि किसी एक लक्षण को आप रेड फ्लैग कहेंगे कि अगर वो व्यक्ति अपने आप में अपने शरीर में वो एक बदलाव देखे तो बिना देर किए डॉक्टर से मुलाकात करनी चाहिए। जी वन ए बॉडी का एक हाफ अगर कभी उसमें झुंझुनापन हो रहा है, या कभी उनको मरीज को लगता है कि हल्की सी ताकत कम हुई है जो कुछ घंटों में इम्प्रूव कर गई हो, ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन होता है। इस वार्निंग साइन ये कभी भी हुआ तो ये नहीं सोचना है कि हम तो इम्प्रूव हो गए हैं, यानी अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो वार्निंग साइन बहुत पेशेंट्स को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो वो एक भगवान की तरफ से एक वार्निंग साइन लेके आप उस पर अपने डॉक्टर को दिखाएं, ताकि इन्वेस्टिगेट करें, ताकि अब बिगर प्रॉब्लम, एक ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम बाद में ना हो। डॉक्टर साहब, अगर किसी आदमी ने ये लक्षण नोटिस कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया और वो इलाज के लिए आपके पास आते हैं, तो फिर अगर ये सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं तब पेशेंट्स को किस तरीके से बचाया जा सकता है? पेशेंट अगर हमारे पास टाइम पे आ जाता है स्ट्रोक के, तो अब हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे हम लोग जो ब्रेन डैमेज है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर टाइम पीरियड के अंदर आ रहा है। तो हमारे पास थ्रोम्बोलाइसिस की दवाइयाँ हैं कि अगर खून की नस जाम हो गई है तो उस इंजेक्शन देके उस नस को खोलने की दवाइयाँ हैं। अगर अगर ब्लीडिंग हो गया है पेशेंट के ब्रेन के अंदर, तो दवाइयों से हम उस ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो कंट्रोल नहीं हो तो हो सकता है कि सर्जरी की ज़रूरत पड़े। लेकिन ये सारे मोडालिटीज़ पेशेंट को बचाने के लिए तभी सबसे ज़्यादा कारगर हैं अगर पेशेंट टाइम पे हमारे पास आए, जी ठीक है? वंस ब्रेन डैमेज हो जाता है, उसके बाद हमारे इंटरवेंशन से हम बहुत लिमिटेड ब्रेन को ही बचा पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा और भी कोई ऐसे साइंस है जो शायद बहुत रेयर हो, इसीलिए लोगों को उनको पहचानने में ही दिक्कत आती हो? जो स्पीच का प्रॉब्लम है, ये बोलने में लड़खड़ाहट अचानक हो जाना, चेहरे का अचानक कुछ समय के लिए टेढ़ा हो जाना, ये थोड़े से अनकॉमन सिम्टम्स हैं, लेकिन पेशेंट्स में होते हैं। अगर होता है वैसा तो उसमें मिलने की ज़रूरत है बहुत ही टाइम पे।